कटरीना कैफ और रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म जग्गा जासूस की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। खबर है कि जग्गा जासूस में रणबीर के साथ किस सीन दे चुकी कैट अब चाहती है कि किस सीन फिल्म से हटा दिया जाए। इसी बात को लेकर कैट और फिल्म के निर्देशक अनुराग बसु के बीच लड़ाई तक हो गई है। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की आने वाली फिल्म जग्गा जासूस की रिलीज की अभी तक 7 बार तारीखें बदली जा चुकी हैं। हालांकि इसकी रिलीज अब 14 जुलाई को होनी है। बताया जा रहा है कि फिल्म में कटरीना और रणबीर के लिप लॉक सीन्स हैं। इन सीन्स को शूट तो कर लिया गया है, लेकिन अब इन सीन्स की स्क्रीनिंग को लेकर कटरीना अपना मन बदलती नजर आ रही हैं। कटरीना नहीं चाहती कि किसिंग सीन्स को रिलीज किया जाए। इन सीन्स को फिल्म से हटाने के लिए कटरीना ने फिल्म जग्गा जासूस के डायरेक्टर अनुराग बसु से बात भी की है, लेकिन आपको बता दें कि अनुराग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि इन सीन्स को हटाया जाए। वो इन सीन्स को रिलीज करना चाहते हैं। मशहूर शो शक्ति अस्तित्व के एहसास में हो रहे ड्रामा को लोग बहुत पसंद करते हैं। सौम्या, सुरभि और प्रीतो की जिंदगी में हो रही उथल पुथल को लोग बहुत दिलचस्पी के साथ देखते हैं। जहां एक ओर टीवी पर आप इन्हें साड़ी में देखते हैं, वहीं असल जिंदगी में इन अभिनेत्रियों के बोल्ड अवतार को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रुबीना और रोशनी सहोता के साथ साथ पर्दे पर इनकी सास का रोल निभा रही काम्या पंजाबी के बोल्ड अवतार को देखकर आप चौंक जाएंगे। छोटी बहू से लोगों के दिल में बसने वाली रुबीना को बिकिनी अवतार में देखकर आप दंग रह जाएंगे। सौम्या के बाद अब उनकी ऑन स्क्रीन बहन का भी हॉट अंदाज देखने को मिला है। ब्लैक बिकिनी में रोशनी सहोता की इन तस्वीरों को देखकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। पंजाब निवासी रोशनी ने पहली बार इस तरह का फोटोशूट करवाया है। रुबीना और रोशनी के बाद उनकी ऑन स्क्रीन सास प्रीतो के किरदार में दिख रही काम्या पंजाबी के बोल्ड अवतार को देखकर भी आप कह सकते हैं कि वो इन दोनों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। बॉलीवुड के दबंग अभिनेता कहे जाने वाले सलमान खान ने स्टार गिल्ड अवार्ड्स 2014 होस्ट करते हुए काफी मस्ती भी की। सलमान खान किसी नई हीरोइन की मदद साड़ी पहनने में करें तो उसके लिए इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। ऐसा ही कुछ इंटरनेशनल पॉर्न स्टार से हीरोइन बनी सनी लियोनी के साथ भी हुआ। उस अवार्ड समारोह में सनी लियोनी को स्टेज पर बुलाया गया था। ऐसे में उन्हें ना जाने क्या सूझा, उन्होंने सनी से साड़ी पहनने की बात शुरू कर दी। सनी ने सलमान को कहा कि उन्हें साड़ी पहनना नहीं आता, तो सलमान ने उन्हें स्टेज पर ही साड़ी पहनना सिखाना शुरू कर दिया। सल्लू ने तो सनी को पूरी तरह साड़ी बांधना सिखा दिया। सनी की साड़ी में प्लेट्स के साथ पल्ला भी उड़ाया। जब सलमान से सनी की साड़ी को ठीक करने में मदद करने के लिए कहा गया तो सलमान ने कहा, मुझे इसे किसी और तरह से करना चाहिए था। सनी ने कहा, ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। इसके बाद उन्होंने बहुत ही मजाकिया अंदाज में साड़ी उतार भी दी। पॉर्न स्टार से बॉलीवुड की हॉट एंड ग्लैमरस अभिनेत्री बनी सनी लियोनी को बिग बॉस में आने से पहले बहुत ही कम लोग जानते थे। आजकल सनी लियोनी हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए आज हम आपको बताते हैं सनी लियोनी से जुड़ी कुछ अनजानी बातें। सनी लियोनी का असली नाम करणजीत कौर वोहरा है। पॉर्न फिल्मों में ऑफर के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। 2008 में सनी लियोनी का नाम कनाडा के कॉमेडियन रसल पीटर्स के साथ जुड़ गया था, जिस बात को एक इंटरव्यू में रसल ने भी स्वीकार किया था। वो सनी लियोनी को डेट कर चुके हैं। मार्च 2001 में पेंटहाउस मैगजीन से जुड़ने के बाद सनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी फैमिली को पेंटहाउस से $1,00,000 जीतने के बाद कहा था कि मैं पॉर्न स्टार बनना चाहती हूँ। सनी ने पहला किस 11 वर्ष की उम्र में किया था और 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ सेक्स किया था। भारत का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 5 का हिस्सा बनकर सनी लियोनी ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, जिसके बाद लोगों को पता चला कि वो एक पॉर्न स्टार है। 18 वर्ष की उम्र में सनी ने जाना कि वो बाइसेक्सुअल है। सिख फैमिली से संबंध होने के कारण सनी का दाखिला उनके पेरेंट्स ने कैथोलिक स्कूल में करवाया था। सनी 15 साल की उम्र में एक जर्मन बेकरी में काम भी कर चुकी हैं। पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़ने से पहले सनी ने इस बात का ख्याल रखा कि वो केवल महिलाओं के साथ ही इन फिल्मों में काम करेंगी। सनी 2005 में एमटीवी इंडिया में एमटीवी अवार्ड के लिए रिपोर्टर का किरदार अदा कर चुकी हैं। सनी लियोनी साल 2010 में मेल मैगजीन मैक्सिम में टॉप 12 फीमेल पॉर्न स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। बीते शुक्रवार विनोद खन्ना को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गिरगांव HN रिलायंस फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर में एडमिट कराया गया। रिपोर्ट्स की माने तो वो साल भर से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
अभी तक उनके किसी भी फैमिली मेंबर ने इस बारे में जानकारी नहीं दी है। एक रीजनल मैगजीन ने विनोद खन्ना से जुड़े एक ऐसे वाकये को पब्लिश किया था। फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग के दौरान एक इंटीमेट सीन में विनोद खन्ना को डिम्पल को किस करना था। सीन की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना खुद पर काबू नहीं रख सके और कट बोलने के बावजूद काफी देर तक डिम्पल को किस करते रहे। इस वाकये से डिम्पल शॉक्ड रह गई थी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।